हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे अमेजन के अकाउंट को परमानेंटली हम डिलीट कैसे करते हैं। तो अब बात आती है कि इसको हम डिलीट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, हम अमेजन की जगह पे फ्लिपकार्ट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट हमारे इंडिया का ही है और अमेजन अमेरिका का है। तो यहाँ पर आपको अमेजन का एक एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, इसी पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक किया तो यहाँ पर ये ओपन हो चुका है, इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। अब यहाँ पर हमको नीचे आना है, यहाँ पर थ्री लाइंस आपको दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अकाउंट्स। दोस्तों, अगर ये अकाउंट्स आपको ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो आपको अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। अपडेट करोगे तो ये इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हम अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्लोज योर अमेजन अकाउंट, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है, यानी कि ये जो अमेजन की सभी सर्विसेज हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, और ये बता रहा है कि ये सारी सर्विसेज आपको मिलना बंद हो जाएगा जब आप इस अकाउंट को डिलीट कर दोगे। तो यहाँ पर आपको चूज रीजन का ऑप्शन देगा, यहाँ से हम कोई भी रीजन चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम टिक करेंगे और यहाँ से क्लोज माई अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी बंदों के साथ में ये जो इंटरफेस है ये देखने को नहीं मिलता है। मैं एक बार वापस जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन है क्लोज योर अमेजन अकाउंट, ये ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे में आपको थ्री डॉट पर फिर से क्लिक करना है, तो इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको कस्टमर सर्विसेज का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है थोड़ा सा, और यहाँ पर चैट विद अस इस पर क्लिक करना है। चैट विद अस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आपको यहाँ पर स्टार्ट ए न्यू चैट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर देख सकते हो ये यहाँ पर चैट स्टार्ट हो जाएगी चैट। और यहाँ पर चैट स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको मैनेजिंग माय अकाउंट्स इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने दूसरा यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह से कई तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको क्लोज माय अकाउंट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फिर से एक ऑप्शन और आएगा, यहाँ पर देखिए इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर मैं नो आई वांट टू क्लोज माय अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे सामने इंटरफेस आने वाला है वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पर देखिए ओके क्लोज माय अकाउंट पर क्लिक करूँगा, और इस पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने वही इंटरफेस आ जाता है जो कि मैंने पहले आपको बताया था। तो हम स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमको नीचे आना है, यहाँ से हमको रीजन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं कर लेता हूँ आई हैव अनदर अकाउंट, इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं ये टिक कर दूँगा इस पर, और यहाँ से मैं क्लोज माय अकाउंट पर क्लिक करूँगा। तो दोनों का प्रोसेस सेम है, आपको दोनों में इसी कंडीशन में आ जाना है। यहाँ पर हम इस तरह से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर ये बता रहा है कि प्रोटेक्टिंग योर, यानी कि आपके ईमेल पे और आपके इस मैसेज टेक्स्ट मैसेज में एक मैसेज भेजा है, वहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया है, तो उसके थ्रू आप वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आप अपने अकाउंट इस अमेजन अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। बैक जाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसको बैक करेंगे। यहाँ से देखिए बैक कर लेता हूँ मैं, बैक करने के बाद और बैक आ जाता हूँ, एकदम होम पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं होम पेज पर आ चुका हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करूँगा। थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद मैं अकाउंट्स पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर नीचे आऊँगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है योर मैसेज, इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करूँगा, यहाँ पर मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर ऑल मैसेज पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरे सामने यहाँ पर कन्फर्मेशन रिक्वायर्ड ये रहा, इस पर मैं क्लिक करूँगा। ये मेरा पास अभी मैसेज आया है, तो देखिए इस तरह से यहाँ पे एक मैसेज मेरे सामने देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कंफर्म अकाउंट क्लोजर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन दिया गया है कंफर्म अकाउंट क्लोजर, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो अकाउंट है वो डिलीट हो चुका है, अब हम इसको दोबारा रिकवर नहीं कर सकते दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक मैसेज और दिया गया है टेक्स्ट मैसेज में, तो हम बैक आएंगे और यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज में मेरे पास एक मैसेज और आया है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा लिंक पे। लिंक पे क्लिक किया तो मैं डायरेक्ट अमेजन के एप्लीकेशन पे आ जाऊँगा, उसी इंटरफेस पे। तो मैंने ये पहले ही इसको क्लोज कर दिया है, तो अब ये दोबारा से मैं इसको रिकवर नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपने अमेजन अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए, और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।